हाय गाइस, आज हम आपके लिए 2008 में आई स्प्लिंटर फिल्म को एक्सप्लेन करने वाले हैं। आई होप आप एंजॉय करेंगे। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक आदमी को गैस स्टेशन में देखते हैं, जो वहां बैठकर चिप्स खा रहा होता है। तभी अचानक उसे किसी की आवाज आती है, लेकिन उसके कुछ समझ पाने से पहले ही एक अजीब सा जानवर उस पर हमला कर देता है और बुरी तरह नोच नोच कर उस आदमी को जख्मी कर देता है। इसके बाद हम एक कपल बेन और पॉली को देखते हैं, जो अपनी मैरिज एनिवर्सरी के दिन जंगल में मंगल करने के लिए जाते हैं। वहीं बेन को जंगल में मंगल करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था और बेन का किसी होटल में जाने का प्लान था। खैर, बेन पॉली का दिल रखने के लिए जंगल में जाता है और वहां जाते ही पहले दोनों चुम्मा चाटी करते हैं। फिर दोनों टेंट लगाने लगते हैं, लेकिन टेंट लगाने के दौरान बेन की बकलोली के चक्कर में टेंट टूट जाता है, जिसके बाद पॉली ना चाहते हुए भी होटल जाने के लिए मान जाती है। वहीं दूसरी तरफ इसी जंगल में हम एक और कपल डेनिस और लेजी को देखते हैं, जिनमें डेनिस एक सड़क छाप गुंडा था जो जेल से भाग कर आया था, और वहीं उसकी मासू का एक बहुत बड़ी नशेड़ी होती है। तभी इन लोगों की गाड़ी खराब हो जाती है। वहीं डेनिस थोड़ा सनकी होता है, जो गुस्से में अपनी गाड़ी को धक्का मारकर झाड़ियों में गिरा देता है और फिर अपनी मासूका के साथ पैदल जाने लगता है। दूसरी तरफ पॉली और बेन होटल जा रहे होते हैं, तभी रास्ते में लेजी इनसे लिफ्ट मांगती है। वहीं पॉली और बेन लिफ्ट देने के लिए सोच ही रहे थे कि तभी डेनिस बेन और पॉली के कुछ करने से पहले ही बेन की कनपट्टी पर गन तान देता है और जब रनिन की गाड़ी पर कब्जा कर लेता है। इसके बाद डेनिस बेन से गाड़ी चलाने के लिए कहता है, पर बेन एक चौमू इंसान होता है जिसे गाड़ी चलानी ही नहीं आती है, इसलिए डेनिस पॉली को गाड़ी चलाने के लिए कहता है। और जब ये चारों लोग गाड़ी में बैठकर जाने लगते हैं, तभी डेनिस बेन और पॉली के सेल फोन बाहर फेंक देता है ताकि ये लोग किसी से संपर्क ना कर सके। वहीं आगे रास्ते में जब ये जा रहे होते हैं, तभी इनकी गाड़ी के नीचे एक जंगली जानवर आ जाता है, जिससे इनकी गाड़ी का टायर फट जाता है और डेनिस बेन को धमकाते हुए टायर चेंज करने के लिए कहता है, लेकिन बेन फिर से मुझे नहीं आता कहकर मना कर देता है। अब डेनिस पॉली के साथ खुद टायर चेंज करने लगता है और वहीं टायर चेंज करते वक्त डेनिस के हाथ में कुछ कांटे लग जाते हैं, जो कि उस टायर में लगे हुए थे। दूसरी तरफ लेजी और बेन उस जानवर को देखने जाते हैं, जहां दोनों देखते हैं कि उस जानवर का बहुत बुरी तरह कीमा बन चुका था। लेकिन ये नशेड़ी लड़की लेजी जबरदस्ती बेन की कनपट्टी पर गन रखकर उस जानवर की मदद करने के लिए बोलती है, और बेन जैसे ही उस जानवर की तरफ हाथ बढ़ाता है, तभी वो जानवर अचानक से हिलने लगता है, जिसे देखकर लेजी की पूरी तरह से फट जाती है और फिर लेजी जानवर को गोली मारकर अपनी गाड़ी की तरफ भागने लगती है। तभी डेनिस की फटी हुई देखकर पॉली जल्दी से गाड़ी चलाने के लिए कहता है, लेकिन पॉली कहती है, मैं बेन को लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी। और फिर बेन भी कुछ देर बाद अपना सड़ा हुआ चेहरा लेकर गाड़ी में बैठ जाता है। इसके बाद पॉली गाड़ी को आगे ले जाती है। वहीं हम इनके पीछे उस टायर में कुछ कांटों को बाहर निकलता हुआ देखते हैं। आगे डेनिस अपनी मासूका लेजी की फटी हुई देखकर पूछता है, क्या हुआ? तभी लेजी बताती है कि वो जानवर बहुत ही अजीब और डरावना था, तो इसलिए मैंने उसे गोली मार दी। वहीं डेनिस को लगता है कि शायद लेजी ने काफी समय से चरस गांजा नहीं फूका है, इसलिए लेजी बौखला गई है। और डेनिस पॉली को गाड़ी तेज भगाने के लिए कहता है, तो पॉली गाड़ी को फुल स्पीड में चलाने लगती है, लेकिन गाड़ी तेज चलने की वजह से गाड़ी का इंजन गर्म हो जाता है और गाड़ी एक गैस स्टेशन पर रुक जाती है। ये वही गैस स्टेशन था जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। इसके बाद जब ये लोग गाड़ी से उतरते हैं, तभी डेनिस और उसकी मासूका लेजी के बीच कुछ अनबन हो जाती है, क्योंकि डेनिस लेजी की बात पर यकीन नहीं कर रहा था, इसलिए लेजी गुस्से में वॉशरूम की तरफ चली जाती है। और फिर डेनिस बेन से कहता है कि क्यों घोचू, तुझे गाड़ी में गैस तो भरना आता है। इस पर बेन गैस भरने लगता है। वहीं डेनिस पॉली को लेकर गैस स्टेशन के अंदर चला जाता है। वहां कोई नहीं होता है, इसलिए डेनिस वहां पड़ी चीजों को उठाकर खाने लगता है। तभी पॉली को वहां एक फोन मिलता है और बेन भी गाड़ी में गैस भरने के बाद उसे साफ करने लगता है। दूसरी तरफ लेजी बाथरूम का दरवाजा नहीं खोल पा रही थी, इसलिए लेजी दरवाजे को जोर जोर से पीटने लगती है और तभी अचानक से दरवाजा खुल जाता है, जहां लेजी एक आदमी को देखती है जिसके पूरी बॉडी में कांटे निकल रहे होते हैं, जैसे कांटे हमने गाड़ी से कुचलने वाले जानवर की बॉडी पर देखे थे। वहीं लेजी की एक बार फिर फट जाती है। इसके बाद लेजी भागती हुई डेनिस के पास जाती है और उसे सब कुछ बताने की कोशिश करती है, पर डेनिस को उसकी बातें फिजूल की लगती है। इस पर डेनिस लेजी को गैस स्टेशन के अंदर जाने के लिए कहता है। तभी अचानक से वो कांटों वाला आदमी लेजी के ऊपर हमला कर देता है, जिससे लेजी की वहीं मौत हो जाती है। दरअसल जो कांटे उस आदमी से निकल रहे थे, उन्हें ही इस मूवी में स्प्लिंटर कहा गया है। वहीं डेनिस को भी समझ आ जाती है कि लेजी जो कह रही थी वो सब सच था। तभी वो स्प्लिंटर
वैन की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन बेन और डेनिस जल्दी से गैस स्टेशन के अंदर आ जाते हैं। तभी पोली गैस स्टेशन में लगे फोन से पुलिस को कॉल करने लगती है, पर डेनिस पोली से फोन छीन कर तोड़ देता है, क्योंकि पुलिस का नाम सुनकर डेनिस की फट जाती है। उसे डर था कि अगर वहाँ पुलिस आई तो उसे पकड़ के जेल में डाल देगी। वहीं पोली डेनिस को समझाने की कोशिश करती है कि अगर हमने पुलिस को नहीं बताया तो हम मारे जाएंगे, लेकिन डेनिस पोली की बात इग्नोर करके पोली के सर पर पंच मारकर उसे गिरा देता है। इसके बाद डेनिस गैस स्टेशन से पैसे लूटकर अपनी जेब भरने लगता है। फिर अचानक डेनिस की नजर वहां लगे कैमरे पर पड़ती है, जिसकी मदद से डेनिस अपनी गर्लफ्रेंड लेजी को देखने की कोशिश करता है, जो आखिरी बार उस स्प्लिंटर की चपेट में आ गई थी। वहीं डेनिस कैमरे में लेजी की बॉडी को हिलते हुए देखता है, जिससे डेनिस को लगता है कि उसकी गर्लफ्रेंड अभी जिंदा है। तो डेनिस लेजी को बचाने के लिए गैस स्टेशन से बाहर जाने लगता है। तभी बेन डेनिस से कहता है कि मैं तुम्हें एक शर्त पर जाने दूंगा कि अगर तुम भी उस स्प्लिंटर की वजह से घायल हो गए तो हम तुम्हें अंदर नहीं आने देंगे। और डेनिस सब कुछ सोच समझ कर बाहर जाता है और लेजी को अंदर लेकर आने लगता है, लेकिन तभी लेजी डेनिस पर हमला कर देती है। इसके बाद बेन जल्दी से डेनिस को खींचकर स्टेशन के अंदर ले आता है, लेकिन उसके साथ ही लेजी का हाथ भी गेट से कटकर अंदर आ जाता है। वहीं लेजी का हाथ कटने के बाद भी चल रहा था और बेन उस हाथ को पैर से कुचल देता है। तब बेन देखता है कि उस हाथ से काले रंग का खून निकल रहा था और उस काले खून से कांटे निकल रहे होते हैं। अब बेन समझ जाता है कि ये एक तरह का वायरस है जो लोगों के खून को स्प्लिंटर में बदल देता है। तभी उन्हें लेजी की आवाज आती है, जो गैस स्टेशन के गेट में अपना सर मार रही थी। वहीं डेनिस लेजी की ऐसी हालत देखकर बहुत दुखी होता है, और फिर पोली और बेन डेनिस को समझाते हैं कि अब हमें यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए, नहीं तो स्प्लिंटर हम सबको मार देंगे। और जब ये लोग बाहर निकलने के लिए गैस स्टेशन का पीछे वाला गेट खोलने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर लेजी आ जाती है, इस वजह से ये लोग फिर से गेट बंद कर देते हैं। तभी गैस स्टेशन के बाहर एक लेडी पुलिस ऑफिसर गन लेकर आ जाती है। वहीं ऑफिसर को लग रहा था कि ये लोग यहाँ चोरी कर रहे हैं, इसलिए ऑफिसर इन्हें गैस स्टेशन से बाहर आने के लिए कहती है, लेकिन पॉली और बेन उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ खतरा है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है, पर लेडी ऑफिसर तो फुल ड्यूटी की मूड में होती है, इसलिए वो पॉली की बात नहीं सुनती है। तभी एक स्प्लिंटर लेडी ऑफिसर पर हमला कर देता है, जो ऑफिसर की बॉडी के दो टुकड़े कर देता है। अब ये देखकर इन सभी के लोंडे लग जाते हैं। फिर हम डेनिस के हाथ में भी स्प्लिंटर वायरस को फैलते हुए देखते हैं, क्योंकि टायर चेंज करते वक्त जो कांटा उसकी उंगली में लग गया था, इसलिए स्प्लिंटर डेनिस के हाथ में भी फैलने लगा था। लेकिन डेनिस इस बात को पॉली और बेन को नहीं बताता है। इसके बाद बेन एक प्लान बनाता है कि अगर हम गैस स्टेशन के बाहर खड़ी गाड़ी को आग लगा दें तो गैस स्टेशन में आग लगी हुई देखकर कोई ना कोई उनकी मदद करने जरूर आएगा, और फिर हम उन्हें गैस स्टेशन के अंदर होने की वजह बता देंगे, जिससे वो बच जाएंगे। ये प्लान पोली को भी अच्छा लगता है, और फिर ये तीनों लोग गैस स्टेशन के बाहर गाड़ी में आग लगाने के लिए जुगाड़ लगाने लगते हैं। लेकिन तभी बेन सोचता है कि अगर गलती से भी गैस स्टेशन में आग लग गई तो हम बेवजह मारे जाएंगे। तभी बेन को उस लेडी ऑफिसर के रेडियो की आवाज सुनाई देती है, जो कि गेट के बाहर पड़ा था। वहीं बेन उस रेडियो से मदद मांगने के लिए रेडियो को उठाने की कोशिश करते हैं। फिर बेन एक तार का फंदा बनाकर रेडियो गैस स्टेशन के अंदर खींचने लगता है, लेकिन अचानक से लेजी रेडियो की वायर पर आ गिरती है और बेन रेडियो वायर को अंदर खींचने लगता है। वहीं रेडियो के साथ ही लेजी का दूसरा हाथ भी अंदर आ जाता है, जो बेन और पोली पर हमला कर देता है। लेकिन ये लोग किसी तरह भागकर एक फ्रीजर रूम में आ जाते हैं और दरवाजा लॉक कर लेते हैं। इधर डेनिस का हाथ अब पूरी तरह स्प्लिंटर बन चुका था, उसका हाथ जगह जगह से टूटने लगता है, जिससे डेनिस को बहुत दर्द होता है। इसलिए डेनिस अपने हाथ को काटने की सोचता है, लेकिन डेनिस जब हाथ नहीं काट पाता है तो बेन उसके हाथ को चाकू से काट कर अलग कर देता है। वहीं अब बेन एक बात नोटिस करता है कि डेनिस का हाथ वायरस से इफेक्टेड होने के बाद भी इन पर हमला नहीं कर रहा है। अब आखिर इन्हें समझ आता है कि स्प्लिंटर सिर्फ गर्म चीजों पर हमला करते हैं, और डेनिस का हाथ फ्रीजर की वजह से ठंडा हो गया था, इसलिए वो इन पर हमला नहीं कर रहा था। इसके बाद वैन अपना दिमाग चलाता है और वैन अपनी गाड़ी को ठंडा करके बाहर जाने के लिए सोचता है, जहां वो पुलिस की गाड़ी में लगे रेडियो से मदद मांगने की कोशिश करेगा, और फिर वैन कुछ बर्फ लेकर बाहर जाता है। दूसरी तरफ पोली कुछ पटाखे गैस स्टेशन के पीछे जलाकर फेंक देती है, जिससे सारे स्प्लिंटर वहां चले जाते हैं। वहीं बेन को बर्फ से बहुत ज्यादा ठंड लगती है, इसलिए वैन के हाथ से बर्फ का बैग गिर जाता है और फिर उसका बॉडी टेम्परेचर वापस गर्म होने लगता है। लेकिन बेन जैसे तैसे गाड़ी के अंदर बैठ जाता है, तभी बेन का टेम्परेचर गर्म होने की वजह
वजह से स्प्लिंटर उसकी तरफ आने लगते हैं, लेकिन बेन उनके आने से पहले ही खुद को गाड़ी में बंद कर लेता है। आगे डेनिस कुछ पटाखे जला के बाहर आता है और उन्हें फेंकने लगता है, जिससे स्प्लिंटर वैन को छोड़कर डेनिस की तरफ आने लगते हैं। तभी स्प्लिंटर डेनिस के पीछे पीछे गैस स्टेशन के अंदर आ जाते हैं। वही डेनिस पूरी कोशिश करता है उनसे लड़ने की, पर वो कुछ नहीं कर पा रहा था। तभी बेन पुलिस कार से एक गन लेकर स्प्लिंटर पर हमला कर देता है। इसके बाद डेनिस पोली और बेन को वहाँ से भागने के लिए कहता है, क्योंकि डेनिस अब अपने कर्मों का प्रायश्चित करना चाहता था, इसलिए डेनिस खुद गन लेकर स्प्लिंटर से लड़ने लगता है। तभी डेनिस के गन की सारी गोलियां खत्म हो जाती हैं और डेनिस भी पूरी तरह जख्मी हो जाता है। फिर डेनिस बेन को एक चाबी देते हुए कहता है कि ये चाबी एक औरत की है जिसके हस्बैंड को मैंने मार दिया था। अब मुझे गलती का एहसास हो गया, इसलिए तुम इस चाबी को उस औरत को दे देना। फिर डेनिस बेन और पोली को वहां से जाने के लिए बोलता है और उनके जाने के बाद डेनिस उस गैस स्टेशन में आग लगा देता है, जिससे यहाँ एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है और इस विस्फोट में डेनिस के साथ साथ सारे स्प्लिंटर खुद भी मर जाते हैं। दूसरी तरफ हम पॉली और बेन को सही सलामत जाते हुए देखते हैं। वहीं उनके पीछे एक जानवर को देखते हैं जिसके अंदर स्प्लिंटर निकल रहे होते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है। हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहिए। चलो जल्दी से कमेंट करके बताओ आपको मूवी कैसी लगी। लाइक शेयर करना मत भूलना। होप आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। आई लव यू।